मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। रीवा के चिरौला मंदिर के पास पिछले 25 साल से ज्यादा से सरकारी जमीन पर कब्जा करके रह रहे लोगों का अतिक्रमण आज नगर निगम की टीम ने जिला प्रशासन और पुलिस के सहयोग से बगैर किसी सूचना के उनका घर तोड़ दिया। अतिक्रमणकारियों का कहना, ऐसे में हम कहां जाएंगे। लगभग 25 साल से ज्यादा समय से अतिक्रमण करके रह रहे लोगों को चिरहुला मंदिर के पास शासकीय जमीन से हटाया गया। नए साल की अतिक्रमण को लेकर पहली बड़ी कार्रवाई नगर निगम की टीम ने जिला प्रशासन और पुलिस के सहयोग से की। अतिक्रमणकारियों का कहना, ना पूर्व में सूचना ना नोटिस, हमारा पूरा सामान घर गृहस्थी का खत्म हो गया। इस ठंड में हम कहां जाएं अपने परिवार को लेकर। हम आपको बता दें, आज सुबह से ही प्रशासन की टीम ने रीवा के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल चिरहुला मंदिर के मोड़ के पास काफी समय से, लगभग 25 साल से ज्यादा से रह रहे परिवारों को बेघर कर दिया। पीड़ित परिवार का साफ तौर से कहना, जमीन शासकीय थी, हम लोग लंबे समय से यहाँ पर रह रहे थे, हमें इसके पूर्व ना तो कोई सूचना दी गई ना किसी तरीके से नोटिस दी गई। आज सुबह प्रशासन की टीम जेसीबी लेकर पहुंची और तत्काल हटने के लिए कहा। हम लोग अपना सामान भी नहीं हटा पाए, हमारा पूरा सामान तबाह हो गया। इस कड़कती ठंड में अब हम कहां जाएंगे, जबकि शासन कहता है बेघर को घर देंगे, कब देगा घर। आइए आपको सुनाते हैं पीड़ित व्यक्ति ने क्या कुछ बताया। उसका साफ तौर से कहना था, बगैर सूचना के हमारे घर पर जेसीबी चला दी गई। आज की बड़ी खबर रीवा के चिरहुला मंदिर के पास से है। पिछले 25 साल से ज्यादा से अतिक्रमण कर बनाए गए घरों को नगर निगम अमले ने पुलिस की मौजूदगी में तोड़ दिया। हालांकि अतिक्रमणकारियों का आरोप है, उन्हें किसी भी प्रकार की सूचना नहीं दी गई, सामान निकालने तक का मौका नहीं दिया गया। कड़कती ठंड में बेघर किए गए लोगों ने प्रशासन पर बेरहमी का आरोप लगाया। उनका साफ तौर से कहना, इस कड़कती ठंड में बगैर नोटिस बगैर सूचना के हमारा घर तोड़ दिया गया, ऐसे में हम कहां जाएंगे, कहां रहेंगे, हमारे बच्चे कहां रहेंगे इस ठंड में। शासन प्रशासन को ये भी सोचना चाहिए था। आइए आपको सुनाते हैं पूरी कार्रवाई को लेकर जिनके घर तोड़े गए उनमें से एक व्यक्ति क्या कुछ कह रहा है, आप भी सुनिए। ये कौन सी जगह पे आप घर बनाए हुए थे? 45 वार्ड। चिरौला मंदिर गेट, ये घर गिरा दिया गया, किसके द्वारा घर गिराया जा रहा है? पार्षद रहे, सब रहे, नगर निगम द्वारा घर गिराया, कोई नोटिस नहीं दिए गए, हम गरीब आदमी तो हमारा सब अदापत हो गया। कितने वर्षों से रह रहे थे यहाँ पर? यहाँ 25-30 साल से रह रहे थे। यहीं पे सरकारी जमीन बनाए थे? जी, सरकारी जमीन सर। क्या यहाँ पे अब घर गिर रहा है, आपका तो नोटिस मिला था कुछ? कोई नोटिस शासन ने दी हमको, एक एक सुबह से आके गिरा दिया। लिखित में कोई घर गिरा दिया? लिखित में कोई कागज नहीं दिया? कोई कागज नहीं दिया। इससे पहले कभी आपको जानकारी दी कि तुम्हारा घर गिरने वाला है, क्या कुछ ऐसी जानकारी मिली थी आपको? जानकारी किसी ने दी है, किसी प्रकार के एक एक आके हमारे घर गिरवाए, 2-3-4 घर गिरे हैं। प्रशासन जो घर गिराने आए थे उनसे आप नहीं पूछे क्यों गिरा रहे हैं, क्या ये सब हटो भागो मारो ये सब कर रहे हैं, अकेले आदमी में क्या करूँ। अब देख लीजिए, आपके सामने पूरा मकान मेरा धराशायी कर दिया। पूरा गृहस्थी का सामान था आपका? पूरा गृहस्थी का सामान आप देख लीजिए, नेट में सर्च करिए, मंत्री तक ये बात पहुँचा लीजिए। काम क्या करते हैं आप? मैं चिक का काम करता हूँ, चिक पर्दा बनाता हूँ, बांस का काम करता हूँ। अच्छा, नहीं बच्चे नहीं, पूरी परिवार रहती है फैमिली। गृहस्थी का पूरा सामान लेकर कहाँ जाओगे, क्या करोगे? जाएंगे वैसे लगाएंगे, अपना चले जाएंगे जहाँ पीछा होगा। मेरा नोटिस भी नहीं सब दिए, मेरा देख लीजिए पूरा सामान रद्दबद्ध कर दिए। अब क्या करोगे? अब क्या करेंगे भाई साहब, फुटपाथ में हैं, मांगेंगे खाएंगे ऐसे करेंगे। अब तुम्हारा तो देख लिया आप सब। तो जो अधिकारी आए थे गिराने, तो क्या उनसे पूछे क्यों नहीं आपकी, क्या कारण है गिराने का, साफ बता दिए? भाई मेरे पे कारण है, 2-3 घर गिरा है, बाकी तो कोई कारण नहीं बता रहे हैं। अब सब कह रहे हैं सबका आज कमर गिरेगा। ताजा तरीन खबरों के लिए न्यूज नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।